Hello, I am Vinod Vishwakarma. Today we will learn how to make a composition by using lines only. आज हम सीखेंगे कि कैसे एक कंपोजिशन को बनाया जाता है सिर्फ एक लाइनों के द्वारा. पहले हम लाइन सेलेक्ट करते हैं. लाइन सेलेक्ट किया, ड्रॉ किया हॉरिजॉन्टली और इसे फिर से मैंने कॉपी किया और रिपीट किया. इसको रिपीट करते हुए 4 times कॉपी रिपीट किया. एक इस तरह से एक होराइजन की ओर सारे लाइंस दिख रहे हैं. अब इसको मैं थोड़ा सा स्लाइड वेरिएशन लाने के लिए मैं एक खड़ा लाइन ड्रॉ करूंगा. ये आ गया खड़ा लाइन. तो उसमें जो हॉरिजॉन्टल नेस को ब्रेक किया वर्टिकल लाइंस ने, किस तरह से कंपोजिशन को फिर से इसको ज़्यादा एनहांस करने के लिए, इसको ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए कॉपी किया, साइड में लिया और साथ ही साथ इफेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन का है उससे उसकी कंपेरिजन में कम इफेक्ट वर्टिकल लाइंस का है. तो फ्रेम डिजाइन फ्रेम को बैलेंस करने के लिए वर्टिकल लाइंस का जो वेट है उसको बढ़ाने के लिए मैंने कॉपी किया और उसको पेस्ट किया, लेकिन ऊपर की तरफ पेस्ट हो गया. मुझे उसे लाना है नीचे की ओर. तो इस तरह से एक डायगोनली पेस्ट किया. तभी फिर भी वेटेज ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइंस इज मोर as compared to the vertical lines. Design balance तब तक नहीं होता जब तक कि दोनों का जो वेट है समान रहे, एक समान रहे. दोनों एलिमेंट्स का इक्वल वेटेज होता है तो डिज़ाइन बैलेंस दिखता है. तो इस तरह से जो भी डिज़ाइन करना होता है उसमें तो बैलेंस होना चाहिए, इम्बैलेंसिंग इफेक्ट नहीं होना चाहिए. बैलेंस दिखने के लिए उसका जो जो मास एरिया है, कवरेज एरिया है, वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए. जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो जो शॉपकीपर है वो हमें तौल के सामान देता है. जो भी सामान देता है उसके अगेंस्ट में उतना 1 kg का वेट रखता है. 2 kg खरीदेंगे तो 2 kg का वेट रखता है. ठीक इसी तरह से जब हमने उसका वेट होता है, वर्टिकल लाइंस का वेट कितना है विजुअली जो देखने में हमें दिखता है, इस तरह से वेट उसका दिखना चाहिए. तो इस तरह से डिज़ाइन को बैलेंस करते हैं. डिज़ाइन एलिमेंट कम हो और उसका इफेक्ट ज़्यादा हो तो लाइन के द्वारा अच्छे से डिज़ाइन को कर सकते हैं. ये हो गया वर्टिकल लाइंस के द्वारा और कंपोजिशन. हाईलाइट हम कलर के द्वारा कर सकते हैं या फिर ऐसे ही रख सकते हैं. इसको फ्रेम करने के लिए भी इसको कोई फ्रेम नहीं है. फ्रेम एक आउटर आउटलाइन देते हैं लोग रेक्टेंगल का इस्तेमाल करते हुए. मैं रेक्टेंगल लिया, ऐसे किया, आउटलाइन दिया, आपका फ्रेम हो गया. इसको हम अपने वॉल पे लगा सकते हैं, लिविंग रूम के वॉल पे लगा सकते हैं या फिर एक कबर्ड बना सकते हैं, सेल्फ के सामान इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ग्लास ग्लास पार्टीशन डाल सकते हैं. इसको हाईलाइट करने के लिए हम कलर कर देते हैं. इसके लिए लेयर में जाके नया लेयर क्रिएट किया मैंने, उसको कलर दिया,
वार्म कलर ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इसलिए मैंने वार्म कलर लिया। और लाइक एज सॉलिड एज सेलेक्ट किया मैंने। इस तरह से कम वक्त में ज़हन को तैयार किया।